एक था मेमना, चालाक और समझदार। एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे नानी की बहुत याद आ रही है, चलो ना उनके घर चलते हैं, प्लीज माँ। फिर उसकी माँ ने उससे कहा, पर बेटे मुझे तो बहुत सा काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कोई बात नहीं माँ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन रास्ते में जंगल है और वहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं। कोई बात नहीं माँ, नहीं माँ मुझे जाना है, प्लीज माँ प्लीज जाने दो ना, प्लीज। ओहो चलो ठीक है। मेमने की माँ ने उसे बहुत समझाया, पर मेमना था ही बड़ा जिद्दी, वो कहाँ मानने वाला था। वो तो निकल पड़ा नानी के घर के लिए, और जानते हो वो भी अकेला। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसा, उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी मेमना थोड़ा डरा, पर हिम्मत करके आगे चलता रहा। पर ये सामने से कौन चला आ रहा है? अरे बाप रे, ये तो भयानक भेड़िया है। अकेले मेमने को देखकर भेड़िये के मुंह में पानी आ गया। भेड़िये ने मेमने से कहा, हे मेमने, रुक, मैं तुझे खाऊंगा। मगर मेमने ने बड़ी चतुराई से कहा, भेड़िये भैया अभी मुझे ना खाओ, तुम नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। भेड़िये ने थोड़ा सोच कर कहा, ठीक है, पर याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भेड़िये से बचकर मेमना चल तो दिया, पर आगे जाने पर उसे जंगल का राजा, लंबे लंबे बालों वाला शेर मिला। अरे शेर नहीं, ये तो बब्बर शेर लगता है। मेमने को देखकर शेर बोला, मेमने रुक, मैं तुझे खाऊंगा। शेर मामा अभी मुझे ना खाओ, तुम नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। अच्छा ठीक है,
पर याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज मेमने का दिन कुछ ठीक नहीं था। पहले उसे भेड़िया मिला, फिर वो बब्बर शेर, और अब सामने से मोटा भालू चला रहा था। भालू बहुत बड़ा था, उसके लंबे काले बाल थे, हाथ पैर के नाखून इतने पैने कि पूछो मत। जैसे ही भालू ने मेमने को देखा वो गुर्रा कर बोला, अरे ओ मेमने, रुक, मैं तुझे खाऊंगा। नहीं नहीं भालू काका, अभी मुझे न खाओ तुम, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। ठीक है, पर याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सबसे बचते बचाते मेमना आखिरकार नानी के घर पहुंच ही गया। नानी नानी, मैं आ गया नानी। अरे मेरा बच्चा आ गया। हाँ नानी, कितने दिनों बाद आया है। नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई, उसे प्यार किया, और पता है नानी ने उसे खूब सारी मलाई और दूध दिया। ले मेरा बच्चा, थोड़ी सी मलाई खा ले। नहीं नानी, बहुत हो गया बस। ले बाबू, थोड़ी सी मलाई खा ले। नानी। कुछ दिन मेमना वहीं रहा, मस्ती की और खूब मोटा हो गया। फिर एक दिन वो अपनी नानी से बोला, नानी नानी, मुझे ढोलक मंगवा दो। ढोलक? ढोलक क्यों बेटा? बस नानी, आप मंगवा दो ना, प्लीज, मेरी अच्छी नानी। नानी ने तुरंत एक बड़ी सी ढोलक मंगवा दी और मेमना उसमें बैठ गया। पर ढोलक में भी कोई बैठता है भला? पर कौन जाने मेमने के दिमाग में क्या चल रहा था। उसकी ढोलक तो लुढ़कने लगी। लुढ़कते लुढ़कते सबसे पहले पहुंची भालू के पास। वही भालू जो उसे जंगल में मिला था। ढोलक को देखकर भालू बोला, ए ढोलक, कहां से आ रही है? कोई मेमना देखा क्या? मेमना? नहीं तो, मैंने तो किसी मेमने को नहीं देखा। ढोलक ढोलक किसकी तुम, चल मेरी ढोलक टमक टुम टमक टुम टमक टुम टमक टुम। भालू को बुद्धू बनाने के बाद मेमना इतराता हुआ अपनी ढोलक के साथ आगे बढ़ा। आगे जाकर उसे कौन मिला? वही
शेर, बब्बर शेर। ढोलक को देखकर शेर बोला, अरे ओ ढोलक, क्या कोई मेमना देखा तूने? मेमना? नहीं तो, मैंने किसी मेमने को नहीं देखा। ढोलक ढोलक किसकी तुम? चल मेरी ढोलक टमक टुम टमक टुम टमक टुम टमक टुम टमक। अरे वाह, मीमला तो यहाँ से भी बच गया, पर ये भेड़िया कहाँ से चला रहा है? भेड़िये ने ढोलक को देखा तो बोला, हे ढोलक, कहाँ से आ रही है? कोई मेमना देखा क्या? नहीं तो, मैंने तो किसी मेमने को नहीं देखा। ढोलक ढोलक किसकी तुम? चल मेरी ढोलक टमक टुम टमक टुम टमक। तीनों से अपनी जान बचाने के बाद तो उसकी ढोलक और भी तेज लुढ़कने लगी। और बिना कहीं रुके सीधा अपने घर पहुंच गई। माँ, माँ, मैं आ गया माँ, देखो मैं आ गया। आ गया? आ गया मेरे बच्चा, नानी के घर खूब मजा किया। मेमना अपनी माँ को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने सारा किस्सा एक ही सांस में सुना दिया।